आटे के गोलगप्पे हैं, क्रिस्पी हैं, स्पाइसी हैं। गोलगप्पे तो मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन इस तरह से सर्व करते हुए गोलगप्पे मैं पहली बार खा रहा हूँ। डांसिंग गोलगप्पे बोलूँ? हाँ। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर? सरकासूली के सामने छोटी चौपड़। सरकासूली के सामने छोटी चौपड़। भैया का अंदाज देखिए गोलगप्पे खिलाने का। डांस करते करते गोलगप्पे खिलाते हैं ये अंदाज। भैया कहाँ से सीखा आपने? बचपन से आए थे सर। बचपन से ऐसे ही अंदाज है आपका? हाँ भैया। क्या नाम है आपका भैया? गोविंद भैया। गोविंद भैया कितने साल से खड़े हैं आप? 1990 से भैया। 1990 से। अच्छा मुझे भी खिला दीजिए। ये हींग वाला गोलगप्पा खिलाया आपने मुझे। हाँ। मीठा भी खिला दीजिए। एसपी खिलाऊं? एसपी? हाँ, कौन सा खुल जाएगी? एसपी ज़्यादा मिर्ची तो नहीं होगी? डेंजर है, बहुत डेंजर। एसपी डीएसपी क्यों बोलते हैं? स्पाइस डेंजर स्पाइस है? स्पाइस डेंजर स्पाइस सर। स्पाइस और डेंजर स्पाइस। अच्छा आपके पिताजी को बोलते थे एसपी डीएसपी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद ने बनाया सर। एसपी डीएसपी नहीं, ज़्यादा मिर्च मत खिलाना, मीठा खिलाओ मेरे को। तो किस नाम से जानते हैं इनको यहाँ पे जयपुर में? डांसिंग बताशी वाला भैया। कौन से वाले? डांसिंग बतासी वाले। ये मीठा भैया आटे के गोलगप्पे हैं, क्रिस्पी हैं, हींग का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इससे अच्छे गोलगप्पे मैंने नहीं खाए, खाए हुए हैं, लेकिन भैया का जो अंदाज़ है गोलगप्पे खिलाने का वही इनकी यूएसपी है। और 1990 से हमारे डांसिंग वाले भैया गोविंद भैया इस तरह से गोलगप्पे खिला रहे हैं। और कितने का प्राइस, कितना है गोलगप्पे का आपका? 20 के 5 सर। 20 के 5। अच्छा ये सूजी के हैं, उसके भी हैं, आटे के हैं ना? ये आटे के गोलगप्पे हैं, स्पाइसी हैं। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 20 साल से आ रहा हूँ यहीं। आप मैडम? 20 साल से। क्या अच्छा लगता है आपको इनका? है 25 साल पुराने। 25 साल पुराने गएगा। मुझे शादी हुई थी ना, तब से हमने खाना खाने चालू किया था, ये पता चाहिए खाना। हाँ, उसी अंदाज से खिला रहे हैं? खिला रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हो गए अब, एक 10th क्लास में, एक 3rd क्लास में, 3rd क्लास में। बेटा आपको कैसे लगे गोलगप्पे? बहुत अच्छी लगी, और मैं बचपन से खा के आई हूँ। अच्छा। और इनका हाथ का बनाया मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और इनका डांस कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये बताइए सर, 25 साल पहले आए थे और अभी आ रहे हैं, उस वक्त तो बहुत सस्ते होंगे गोलगप्पे, कितने के मिलते थे? 10 रुपए के 8 मिलते थे। 6 या 8 थे। तो टेस्ट में भी अच्छे हैं, बढ़िया, इससे अच्छा टेस्ट है नहीं पूरे जयपुर में? टेस्ट में इसका कहीं नहीं आया ऐसा टेस्ट, पूरे त्रिपोलिया में नहीं है। हाँ, यही टेस्ट पहले था और यही आज है, बरकरार है। अच्छा। हाँ, गोलगप्पे भी साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, इजीली कोई खा भी नहीं सकता। साइज़ अच्छी होती है इनकी, टेस्ट भी पहले जैसा ही इनका टेस्ट है, बहुत अच्छे। टेस्ट को देख के हम अभी मानसून में रहते हैं, मानसून से हम यहाँ पे आते हैं। कितना टाइम लगता है वहाँ से आने में? पेमेंट 1.5 घंटा लग जाता है हमको आने में। 1.5 घंटा सफर करके आए गोलगप्पे खाने के लिए? गोलगप्पे खाने के लिए आए, 1.5 घंटे सफर। 20 किलोमीटर से हम आते हैं, 20-20 किलोमीटर से इनकी पतासी खाने आते हैं। और कितनी कितनी दूर से आते हैं भैया आपके गोलगप्पे खाने लोग? ग्राहक का भरोसा नहीं है, ग्राहक का भरोसा है। चलिए, डांसिंग गोलगप्पे हैं, बड़े ही फेमस जयपुर में, अगर आना हो तो ज़रूर खाइएगा। मैं आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे। आप? आता ही रहता हूँ अक्सर। अच्छा, आप पहली बार आए, आपने खा लिया? हाँ। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे बहुत। हाँ। इनका अंदाज कैसा है? बहुत बढ़िया। हाँ। आप जा रहे हैं? मैं यहीं पे, मेरा रेजिडेंस है, आता ही रहता हूँ। चलिए, आपने इस तरह के गोलगप्पे खाए हैं या नहीं हमें बताइए कमेंट करके, क्योंकि गोलगप्पे न सिर्फ गोलगप्पे हैं, ये डांसिंग गोलगप्पे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।